नहीं आपको ये चीज नहीं करनी। OSC मेंटेन और एक रूटीन है जो आपको पोर्स आपकी जो वाइट है हाइजीन नेल्स ही देखी जाती है। एज यू नो दैट वी स्टक इन लॉकडाउन, तो इस लॉकडाउन में भी आप कैसे ग्रूम्ड और हाइजीन रह सकते हो तो मैं आपको बताऊंगा। जो मैं करता हूँ वो आपको सब चीज में आपको बताने वाला हूँ, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। Hey everyone, welcome to my channel. My name is Pushkavis. Today, I'm telling you 5 secret grooming tips for men. अगर गाइज आप चाहते हो कि आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी रहे इस लॉकडाउन में भी, जैसे कि आपको पता है कि हमारी सिचुएशन क्या चल रही है, तो आप चाहते हो कि आपकी ग्रूमिंग अच्छी रहे, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे, कुछ इनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर मेंस फैशन ग्रूमिंग लाइफस्टाइल फिटनेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, उसको समझाता हूँ। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हो, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलेगी मेरी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम सब कनेक्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं कर रहे, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब आपकी ग्रूमिंग टीन एज से ही स्टार्ट हो जाती है, जब आप अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखते हो, जब से ही आपकी ग्रूमिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपने अपनी टीन एज से ही ग्रूमिंग स्टार्ट कर दी तो वो आपकी बहुत लॉन्ग टर्म तक, बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगा, बहुत ही आपको अच्छा रखेगा, फ्रेश फील कराएगा। सो फर्स्ट ऑन माय लिस्ट इज हेयर्स। अब गाइस मैं हेयर्स आपकी पूरी होल बॉडी की बात कर रहा हूँ, आपके हेयर्स की, आपकी फेशियल हेयर्स की, आपकी होल बॉडी हेयर्स की। तो आपको मेंटेन करना है अपना आपको ग्रूम रहना है हर जगह से, चाहे वो आपकी फेशियल हेयर्स हो, चाहे आपके हेयर कट हो, चाहे आपके बॉडी हेयर हो, आपको हमेशा कहीं ना कहीं क्लीन रहना, थोड़ा अपना आपको कंफर्टेबल फील कराना है। ये नहीं कि आपको अनटाइडी सा लगना है, नहीं, आपको ये चीज़ नहीं करनी। आपको अपने हेयर्स को बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा, उनको बहुत नरिशमेंट देनी पड़ेगी, जिससे आपको वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो आपके एक हेयर्स है जो आपको अच्छा दिखा सकते हैं। तो आपको मैं एक रिकमेंड करता हूँ रूटीन जो आपको फॉलो करना चाहिए, OSC। OSC स्टैंड बाय ऑयलिंग शैम्पूइंग एंड कंडीशनरिंग। तो गाइस आपको ये चीज़ फॉलो ज़रूर करनी चाहिए, अगर आपने नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हो या नॉर्मल आप ऑयलिंग नहीं करते, शैम्पू और कंडीशनरिंग करते हो, तो आपको ऑयलिंग करनी चाहिए 1 या 2 घंटे पहले, जिससे आपकी जो बाल है उनको हाइड्रेट होए, जिससे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे आपके बाल, बहुत ही नरिशमेंट मिलेगी उनको। तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, और आपको हफ्ते में 2 बार शैम्पू करने चाहिए, 2 बार कंडीशनर शैम्पू, ये वाला रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए 2 बार हफ्ते में, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अब हेयर्स की बात हो चुकी है, अब हम बात करेंगे फेशियल हेयर्स की। अगर गाइस आपकी बियर्ड है या मुस्टाच है या आपकी क्लीन शेव है या आपकी प्याची बियर्ड आती है, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको हमेशा मेंटेन और एकदम प्रॉपर शेप में रखना चाहिए। ये नहीं कि आपने टेढ़ी मेढ़ी रख रही है या बहुत बढ़ा ली उसको, नहीं, प्रॉपर शेप में रखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देन सेकंड ऑन माय लिस्ट इज स्किन केयर रूटीन। अब गाइस आपकी स्किन केयर रूटीन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपके अभी तक नहीं है, क्योंकि गाइस आपकी स्किन आपकी बहुत ही मेन है, खासकर तो आपकी फेस तो आपकी बहुत मेन है। तो आपको मैं आपको बताता हूँ CTM रूटीन, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, एक रूटीन है जो आपको फॉलो करना चाहिए आपको मॉर्निंग में और आपको नाइट में, जब आप सोने जाते हो उससे पहले और जब आप उठते हो उसके बाद, ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। आपको क्लिनजिंग में क्या करना चाहिए, क्लिनजिंग में आपको या तो माइल्ड फेस वॉश से आपको अपना फेस वॉश करना चाहिए, या फिर आपको कोई भी स्क्रब से फेस वॉश करना चाहिए, जिससे आपके पोर्स, आपकी जो व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, वो निकले। देन सेकंड आता हमारा टोनिंग। टोनिंग आपको कैसे करने का इसमें आपको बता देता हूँ। आपको जो फेस वॉश करने के बाद आप जब आओगे तो आपको या तो आप राइस वाटर से टोनिंग कर सकते हो, या फिर आप कोई टोनर ले सकते हो, उसको हल्का हल्का टैप कर सकते हो अपनी स्किन में, जिससे आपकी स्किन है वो एब्जॉर्ब कर ले, आपको बहुत ही हाइड्रेटिंग फील कराए। देन थर्ड आता हमारा मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, आपको एक मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है आपकी बॉडी में, जिससे आपकी बॉडी ड्राई नहीं होती, आपकी स्किन ड्राई नहीं होती। तो आपको वो लगाना बहुत ही कंपलसरी है, तो आप वो लगाना, आपको बहुत ही इफेक्ट अलग ही दिखेगा, और खासकर एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी बहुत कम हो जाएगी इससे। देन थर्ड पॉइंट इज आर नेल्स। अब गाइस आपको पता है कि नेल्स आपके कितने इंपॉर्टेंट है, आपके नेल्स बहुत कट होने चाहिए,
अगर आपकी हाइजीन नेल्स ही देखी जाती है कि आप कितने अनटाइडी हो या बहुत हाइजीन हो, तो आपको अनटाइडी नहीं दिखना, आपको हाइजीन दिखना, चाहे आप घर पे भी हो तो आपको अपने नेल्स को काटने चाहिए। ये नहीं कि आपने उसके अंदर जंक भर रखा है, उसके अंदर बहुत ही सारे गार्बेज भर रखे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको अपने नेल्स को बहुत जेंटली काटना है, बहुत शेप देनी है उसको अच्छी सी। और गाइस प्लीज़, आपको बाइट नहीं करने अपने नेल्स को, और जैसे जो चबाते हैं उनको वो नहीं करना आपको खास कर, तो वो उससे आपकी जो नेल्स के जो शेप होते हैं वो बिगड़ सकते हैं, और आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके अंदर जा सकते हैं, जो आपको डिजीज़ प्रोन कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। देन फोर्थ ऑन माई लिस्ट इज शावर। अब गाइज आपको पता है कि समर है हमारी और शावर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज अगर आप शावर नहीं लेते एक दिन में एक बार भी, तो आपसे बेकार आदमी मैंने कोई नहीं दिखा। इसलिए आपको समर्स में तो शावर ज़रूर दो बार तो लेने चाहिए। और गाइज इसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होते शावर्स के, तो आपको शावर आप जितना टाइम ले सकते हो लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और नो मैटर व्हाट, अगर आप घर पे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, या आप कुछ काम कर रहे हो, या कुछ भी, आपको शावर तो ज़रूर लेना चाहिए। या आप वर्कआउट कर रहे हो इसके बाद भी ले सकते हो, तो आपको एटलीस्ट दो टाइम तो लेना ही चाहिए। तो फोर्थ पॉइंट से ही मिलता जुलता फिफ्थ पॉइंट आ चुका हमारा, बॉडी ओडर। तो गाइस आपको पता है कि आपकी बॉडी ओडर कितनी मैटर करती है आपके लिए। आपको हाइजीन हमेशा रहना चाहिए, मैंने हाइजीन की बात बहुत करता हूँ मैं, तो आपको हाइजीन बहुत रहना चाहिए। और गाइस आपकी बॉडी ओडर अच्छी होनी चाहिए, खास कर तो अगर आप समर्स में हो, क्योंकि गाइस घर पे हम बैठे बैठे ना बहुत ही स्वेट करते हैं, बहुत ही हमारी बॉडी में से पसीना आता है, जिससे हमारी बॉडी स्टिंक करती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप शावर लेके आ रहे हो तो आपको एक और लेवल ऊपर जाना है। आपको अगर आपके पास डिओड्रेंट है तो आपको वो थोड़ी यूज़ करना है अपनी अंडरआर्म्स में, अपनी प्लस पॉइंट में, तो आप बहुत रिफ्रेशिंग फील करोगे। गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा, ये चीज़ मैंने खुद में ट्राई कर रखी है, ये चीज़ मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, जब भी मेरे को तो बहुत मज़ा आता है। गाइस आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होने वाला है। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो बताना ज़रूर, और कमेंट करना कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी सजेशन देने होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर देना। और गाइस कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी होगी। तो कुछ नॉलेजेबल, कुछ आपकी डेली लाइफ के लिए आपको कुछ भी ऐसा अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर लाइक करना, आप अपना रिव्यू ज़रूर लिखना, और मुझे इंस्टाग्राम में देख सकते हो। अगर आपने इंस्टाग्राम मेरा चेक नहीं करा अभी तक, तो क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत फैशन के रिलेटेड, फिटनेस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल रहा हूँ, तो आप चेक कर सकते हो, और अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हो, तो मस्ट ट्राई, जा सकते हो आप। तो गाइस यही था, अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे सेक्सी, पीस आउट।